जी हाँ, अगला हमारा काम था कि यहाँ पे हमने राउट ऐड किया है लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं इसको बनाऊंगा फंक्शनल कंपोनेंट, तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ रिपोस्ट। एरो फंक्शन यूज करेंगे आप यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये डिप की जगह पे रैप। ठीक है, कंपोनेंट नहीं चाहिए तो इसको हम निकाल देंगे। दूसरा काम हमारा था इधर ऐप के अंदर, यहाँ पे हमने राउट की जगह पे राउटर की जगह पे राउट यूज़ करना था, वो कंपोनेंट का सी बड़ा है तो उसको सेव करें तो रेंडर आ रहा है किधर जी, क्योंकि जब आप फंक्शन कंपोनेंट कर देते हैं तो रेंडरिंग नहीं होती, तो रेंडरिंग यहाँ नहीं रहेगी। इसको सेव करें या को चुके हैं ओके, तो ये देखिए आ गया इसको देखें ये ठीक है। यहाँ पे ऐसे ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देखें, रिजल्ट चेक करते हैं, सर्च किया जिस नाम से बन गया ये दोबारा उसी रिजल्ट के अंदर। ठीक है जी, तो ये हमारा जो अबाउट अस का है ऐड हो गया है, तो अब राउटिंग की आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। पहले हमने राउटिंग के अंदर क्या किया है, उसको इंस्टॉल किया है रिएक्ट राउटर डॉम को, फिर उसको उधर इंपोर्ट किया है ताकि वो राउटिंग को रन करे ये, और ब्राउज़र स्विच राउटर होता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको मैंने एज ए राउटर स्विच और राउट के नाम से ले लिया, उसकी बाकी चीज़ें ले ली। और राउटर मैंने शुरू में रख दी है, सारी चीज़ें मुझे राउटर के अंदर चाहिए, फिर स्विच दे लिया मैंने, स्विच के अंदर मैंने राउट्स दे लिए, जो मैंने पेज रन करने हैं ना वो सारे स्विच के अंदर आएंगे, एक राउट के बाद दूसरा राउट आएगा। इसी तरह अगर आप और पेज ऐड करना चाहें यहाँ पर, उस पेज को बना के कंपोनेंट को बना के यहाँ पर कॉल करेंगे। तो उम्मीद है जनाब आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पे लिंक इंपोर्ट किया है नेव बार के अंदर, ये भी रिएक्ट राउटर डॉम से लिया है, और एच रेफरेंस की जगह पे लिंक को ट्रू कर दिया है, और इसी तरह ये लिंक को ट्रू कर दिया, ये इसलिए कर दिया है ताकि जो हमारी पिछली स्टेट की कंडीशन है ना वो अवेलेबल रहे, वो वहाँ पे कंसिस्टेंट रहे, और चीज़ों की हमें समझ आती रहे कि हम लास्ट टाइम किस पेज के ऊपर थे, कहाँ से किस पेज के ऊपर गए। तो उम्मीद है जनाब आपको राउटिंग की समझ आई होगी। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगला काम।